तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बेची देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी। लोग बोले धीरे धीरे देश बेच देंगे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दुश्मनी के बीच पाकिस्तान ने भारत की मदद। पाकिस्तान के ग्वादर के पास डूब रहा था भारतीय जहाज, पाकिस्तानी नौसेना ने बचाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हो रही है तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईवीएम को हटाकर वैलिड पेपर से चुनाव कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। बोले ईवीएम से ही होंगे देश में चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रेवड़ी कल्चर पर सियासत हुई तेज। अब जैन चौधरी ने सीजीआई को लेकर पूछा सवाल। बोले आपको कौन कौन सी फ्री मिलती हैं सुविधाएं, उन्हें छोड़ें आप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं टूटा बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी का राजनीतिक गुरूर। साथ न देने वालों को दी खुली धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेसलर दिव्या पर आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। बोले वोट मोदी और योगी के लिए मांगेंगे, नोट केजरीवाल से जाइए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बेची एक और सरकारी कंपनी। लोग बोले धीरे धीरे देश बेच देंगे मोदी अमित शाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि निजीकरण के खिलाफ हो रहे विरोध के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने देश की एक और बड़ी सरकारी कंपनी को बेच दिया है। इस कंपनी को केंद्र की मोदी सरकार ने दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा के हाथों बेचा है। दरअसल आपको बता दें कि यह कंपनी घाटे में चल रही थी और बीते 2 साल से केंद्र की मोदी सरकार इस कंपनी को बेचने की योजना बना रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अचानक ही मोदी सरकार ने इस कंपनी को 12,100 करोड़ रुपए में रतन टाटा को भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि यह कंपनी घाटे में चल रही थी और इस घाटे को पूरा करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। जैसे ही इस बात की जानकारी देश की जनता को हुई तो देश की जनता ने केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया और मोदी अमित शाह पर आरोप लगाया कि अगर ये देश 10 साल तक और चलाते हैं आने वाले समय में तो ये देश की सारी संपत्ति को बेच देंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने उड़ीसा में स्थित नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी को टाटा ग्रुप को बेच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया को भी केंद्र की मोदी सरकार ने रतन टाटा के हाथों बेचा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि धीरे धीरे मोदी अमित शाह देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने भारत की सबसे बड़ी मदद। पाकिस्तान के ग्वादर के पास डूब रहा था भारतीय जहाज, पाकिस्तानी नौसेना ने बचाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार लगातार बयानबाजी करती रहती है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की सबसे बड़ी मदद की है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना ने ग्वादर बंदरगाह के पास डूब रहे एक जलपोत के 9 सदस्यों की जिंदगी बचा ली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जलपोत अरब सागर में डूब गया था और जहाज की तरफ से बचाने की रिक्वेस्ट पाकिस्तान से की गई, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना ने भारतीय जलपोत के 9 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया, जबकि 1 सदस्य के डूबने से मौत हो गई। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी समुद्री सूचना केंद्र को जामना सागर से राहत और बचाव को लेकर एक कॉल भारत से आया था, जिसमें जलपोत के डूबने और बचाने की रिक्वेस्ट भारत की तरफ से की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना के सदस्य क्रू मेंबर को बचाने के लिए पहुंचे थे। जो जहाज अरब सागर में डूबा है वो एक व्यापारी जहाज था जिसका नाम जमुना सागर था और वो समुद्र में फंस गया था। जहाज की तरफ से नजदीकी पाकिस्तानी सेना से राहत और बचाव के लिए संपर्क किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एमटी क्रू ईवे के जहाज के जरिए जामना सागर के क्रू मेंबर्स को बचाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी भारतीय लोगों को हुई तो भारतीय लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के लिए काफी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान लगातार भारत की मदद करता रहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईवीएम को हटाकर वैलिड पेपर से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। या दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है को संसद द्वारा पास नहीं किया गया है। वकील मनोहर लाल शर्मा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है, लिहाजा ईवीएम के जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। उन्होंने कहा था कि सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो याचिका वकीलों ने डाली थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि ईवीएम से ही देश में चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर विपक्ष भी केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाता रहता है और कहता रहता है कि ईवीएम को हैक करके बीजेपी हर बार चुनाव जीत लेती है और गड़बड़ी करती है, इसलिए ईवीएम को हटा
हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव देश में कराए जाने की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोक की याचिका को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों आपकी कराए, देश में ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या बैलेट पेपर से, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेवड़ी कल्चर पर सियासत हुई तेज, अब जैन चौधरी ने सीजीआई को लेकर पूछा सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर यानी फ्री योजनाओं पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई चल रही है। इसी बीच आरएलडी चीफ जैन चौधरी ने सीजीआई पर ही सवाल खड़े किए। जैन चौधरी ने ट्वीट कर पूछा कि भारत के माननीय चीफ जस्टिस को कौन कौन सी फ्री बीज मिलती है। जैन चौधरी ने इस मामले में एक के बाद एक कर कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में पूछा कि प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या अग्निपथ भी रेवड़ी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फ्री बीज के खिलाफ याचिका दायर की गई, यानी चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग मोदी सरकार द्वारा की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा उपहार का वादा और उसे बांटना एक गंभीर मुद्दा है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी रेवड़ा कल्चर को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अब इस पर जैन चौधरी ने सवाल उठाए और कहा कि हमारे सीजीआई को भी मुफ्त की कई सुविधाएं मिलती हैं, क्या उसको वो बंद करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गिरफ्तारी के बाद भी नहीं टूटा श्रीकांत त्यागी का राजनीतिक गुरूर, साथ ना देने वालों को दी खुली धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गालीबाज बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद भी उनका राजनीतिक गुरूर नहीं टूटा है। दरअसल आपको बता दें कि जेल जाने के बाद उन्होंने जिन लोगों ने उनकी साथ नहीं दिया उनको धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊँगा, जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है 2027 में उनको एहसास दिलाऊंगा। सलाखों के पीछे जाने से पहले भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी द्वारा कहे गए ये शब्द अपने अंदर राजनीतिक हलचल का जखीरा समेटे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से उन्होंने महिला के साथ बदतमीजी की थी, अभद्र व्यवहार किया था, उसके बाद योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए इनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और कार्रवाई की थी, लेकिन अब भी ये नहीं मान रहे हैं और अपने साथियों को धमकी दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के 20 में से 15 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस, एडीआर की रिपोर्ट ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार महाराष्ट्र 75% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं। ये बात मंत्रियों ने खुद चुनावी शपथ पत्र में घोषित की हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 30 जून को एक निंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन चल रहा है। 41 दिन बाद 9 अगस्त को 18 मंत्रियों के साथ पहला विस्तार किया गया। महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि 20 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस हैं और एडीआर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उसके बाद अब सवाल उठे हैं कि गुंडे मवालियों की सरकार महाराष्ट्र में इस समय है, क्या ये सरकार लोगों के हित में काम करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेसलर दिव्या पर आपका पलटवार, बोले वोट मोदी और योगी के लिए मांगेंगे और नोट केजरीवाल से चाहिए। जय दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल कांस्य विजेता दिव्या काकरान और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा आरोप प्रत्यारोप के बीच आप नेता ने रेसलर का एक पुराना वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिव्या काकरान सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भाजपा के लिए वोट मांगती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए आपने रेसलर दिव्या को आड़े हाथ लेते हुए सवाल उठाया है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एथलीट का एक पुराना वीडियो शेयर किया। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यही असली कारण है कि भाजपा इतनी दुखी है। इस वीडियो में दिव्या कह रही है कि भाजपा को वोट दें क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी और योगी ने हमारे लिए क्या किया, खेल हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, कई सुधार किए। इसके बाद आप पार्षद शालिनी सिंह ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि वोट मोदी और योगी के लिए मांगेंगे और नोट केजरीवाल से चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल आपको बता दें कि कांस्य पदक जीतने के बाद दिव्या ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने उन्हें कोई भी सहायता नहीं दी, कोई भी राशि नहीं दी। इसके बाद रेसलर दिव्या पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि आप वोट योगी मोदी के लिए मांगते हैं और पैसा हमसे मांगते हैं, मोदी योगी से ही आप पैसा मांगें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस का पीएम से सवाल, गरीबों को सुविधा देना रेबड़ी तो अमीरों को मुफ्त में दिए जाने वाले गजक पर कब होगी बहस। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके रेबड़ी कल्चर वाले बयान पर घेरा। कांग्रेस नेता प्रोफेसर गौरव बल्लभ ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात की। उन्होंने कहा कि देश में इस बार 14 जनवरी के पहले रेबड़ियों की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि देश की सरकार को मुफ्त की रेबड़ियां तो दिखती हैं, लेकिन जो मुफ्त की गजक बट रही है वह उन्हें नहीं दिख रही है।
आप कहेंगे कि रेवड़ी और गजक में क्या अंतर है। रेवड़ी गुड़, चाशनी, तिल और घी के मिश्रण से बनती है और उस एक मिश्रण से जिससे एक गजक बनती है उसमें सैकड़ों रेवड़ियाँ बन जाती हैं। अगर मुफ्त की रेवड़ियाँ ख़राब हैं तो मोदी जी मुफ्त की गजक कैसे अच्छी हो गई। उन्होंने कहा है कि दूसरी बात यह है कि देश को रेवड़ी कल्चर नहीं झूठ की गठरी कल्चर से मुक्त करना है। आज पूरा डाटा के साथ मैं आपके सामने बात रखूंगा। उन्होंने कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ ख़राब हैं और मुफ्त की गजक अच्छी है, रेवड़ियाँ ख़राब हैं तो झूठ की गठरी अच्छी है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि गरीबों को अगर हम कोई सुविधा देते हैं तो बीजेपी उस पर सवाल उठाती है, जबकि अमीरों को मुफ्त में करोड़ों करोड़ों रुपये माफ किए जाते हैं, उनको सुविधाएँ दी जाती हैं, आखिरकार वो अच्छा कहाँ से। प्रधानमंत्री मोदी हमारे सवाल का जवाब दें।